हम IITs और NITs में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाली तरह तरह की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो स्कॉलरशिप आती है वो है MMVY, यानी कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। इसके तहत बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने पर 100% ऑफ ट्यूशन फीस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने पर 1.5 लाख रुपए तक की सालाना ट्यूशन फीस बच्चों को दी जाएगी सरकार के द्वारा। अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज की फीस इससे ज्यादा है तो भी आपको 1.5 लाख रुपीस तक ही रिएम्बर्स होगा। इसकी कंडीशंस क्या है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट के पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र। इसके बाद MMVY में काफी कंडीशंस हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले फादर की एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बोर्ड्स में MP बोर्ड में 70% या उससे ज्यादा और CBSE बोर्ड में 85% या उससे ज्यादा स्कोर करना चाहिए, और उसके साथ ही JEE मेंस में आपकी रैंक 1.5 लाख के अंडर होनी चाहिए। आप इनकम सर्टिफिकेट के तौर पर अपने फादर का इनकम टैक्स रिटर्न लगा सकते हैं, या तहसीलदार सर्टिफिकेट, या अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उनकी सैलरी स्लिप। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो MMVY का एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, लेकिन उससे पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट नंबर, JEE मेंस का रिजल्ट कार्ड, मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपके फादर का इनकम प्रूफ प्रिपेयर कर लेना है। इनकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है तो आप इनको स्कैन करके आप इनकी सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो हो सकता है स्कैम के चक्कर में फंस जाए। ऑफिशियल वेबसाइट है mptechedu.org। जब आप इस पर जाएंगे तो आपको होम पेज पर लेफ्ट कॉर्नर में बॉटम पर एक येलो कलर का बैनर दिखेगा जिस पर लिखा होगा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। उस पर क्लिक करेंगे और अपने आप बाकी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, लॉगिन आईडी बनाएं और अप्लाई कर दें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के साथ। लेकिन याद रहे, अभी पिछले सेशन के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी तक, तो अभी आप अगर 2024-25 सेशन के स्टूडेंट हो कॉलेज के तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, अभी इसके रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुए हैं। कॉलेज की फीस एमपी गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं देगी, पहले आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रूफ लगेगा कि आप वहां पढ़ते हैं। उसके अलावा वेरिफिकेशन भी कॉलेज अथॉरिटीज करेंगी और उन्हीं के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा, तब जाके एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपके खाते में एमपी गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्यूशन फीस आपकी डाल देगी आपके कॉलेज की। ये पेमेंट सेमेस्टर वाइज होता है, यानी हर सेमेस्टर आपके खाते में ये आता है। आपको बार बार हर सेमेस्टर में इसका फायदा उठाने के लिए अपने पिछले सेमेस्टर का रिपोर्ट कार्ड लगाना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको जो आपने ट्यूशन फीस अपनी जेब से पे करी है उसकी रिसीट भी लगानी पड़ेगी। एमपी गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली इसी के साथ कि वो ना केवल ट्यूशन फीस बेयर करते हैं बल्कि हॉस्टल फीस भी बेयर कर लेते हैं, यानी कि कॉशन मनी और मेस फीस को छोड़ के आपकी हर तरह की फीस इसमें कवर हो जाती है। उसकी ज्यादा जानकारी आप अपने कॉलेज की अथॉरिटीज में एक बार एडमिशन लेने के बाद पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन फैमिली इनकम। ये स्कॉलरशिप इंडिविजुअल कॉलेजेस की तरफ से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, और इसमें कुछ इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए ही क्राइटेरिया है, उनकी कंडीशन एक बार हम जान लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट की एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख रुपीज से कम है तो उसको कॉलेज की तरफ से 100% ट्यूशन फीस में वेवर मिलेगा, यानी कि स्टूडेंट को ट्यूशन फीस में 1 भी रुपए नहीं देना, केवल आपका कॉशन मनी, हॉस्टल और मेस का फीस लगेगा। अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख रुपीज से कम है तो आपको 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस में वेवर मिल जाएगा, 1/3 आपको अभी भी पे करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी आपके फादर का ITR लगाना पड़ेगा, सैलरी स्लिप भी चलेगा, काफी इंस्टीट्यूशंस तहसीलदार सर्टिफिकेट भी अलाउ कर देते हैं। जिन स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो IITs और NITs उनके लिए मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं।
इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत मैक्सिमम 25% स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन इसमें एलिजिबल अगर आप हो तब भी गारंटी नहीं है कि स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी। इसका एक्चुअली क्राइटेरिया होता है कि स्टूडेंट की लोअर इनकम होनी चाहिए और हायर ग्रेड्स होने चाहिए। अगर आपका CGPA मान के चलिए 7 या उससे अच्छा है और आपकी एनुअल इनकम 10 लाख या उसके अंडर है तो काफी सारे IITs में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो अमाउंट इंस्टीट्यूट के ऊपर वेरी करता है, कहीं कहीं 40%, कहीं कहीं 20%, कहीं कहीं 70%, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन ज्यादा बेहतर ग्रेड्स आने वाले बच्चों को जनरली ज्यादा बेहतर स्कॉलरशिप मिलती है। इसके लिए आप अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू बात कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन हर वीक या हर मंथ मेल्स निकालता है जिसमें एलुमनाई फंड्स के थ्रू एज ए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इसमें इनकम प्रूफ ITR सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो अगर आपने अगर अपने फादर का ITR सर्टिफिकेट अगर अभी तक नहीं बनवाया तो अब बनवा लीजिए, सही समय। एजुकेशन लोन इंटरेस्ट सब्सिडी और CSIS यानी कि सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है और इसके तहत अगर आप किसी रेकग्नाइज इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और रेकग्नाइज बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपीज तक का एजुकेशन लोन विदाउट कोलैटरल विदाउट गारंटी जो होता है, तो आपको और आपकी एनुअल पेरेंटल इनकम 4.5 लाख रुपए से कम है तो गवर्नमेंट आपका कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर का जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा वो बेयर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 5 साल तक आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, पूरी की पूरी आपके खाते में सब्सिडी आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप एजुकेशन लोन लो तो अपने बैंक से बात करें कि मुझे इस स्कीम का फायदा उठाना है और वो आपके लिए सारा नेसेसरी पेपर वर्क कर देंगे। बस आपको अपना ITR या फिर तहसीलदार सर्टिफिकेट या बैंक जिस भी इनकम प्रूफ को मान्य करे वो आपको बैंक में सबमिट करना है। इस स्कीम का नोडल बैंक कैनरा बैंक है, लेकिन ये स्कीम ऑलमोस्ट हर बैंक प्रोवाइड करता है एजुकेशन लोन के लिए। अब इस स्कीम में क्या है कि अगर एजुकेशन लोन अगर 10 लाख के ऊपर चला जाए तब क्या होगा, तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, आपको 10 लाख रुपए तक के प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी। तो मान के चलिए अगर आपका लोन 15 लाख का है तो आपको 10 लाख पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, 5 लाख पर इंटरेस्ट आपको खुद चुकाना होगा, ठीक है। इसका भी इनकम प्रूफ ITR है, अगर बैंक किसी और इनकम प्रूफ को अलाउ कर दे तो वो भी इसका इनकम प्रूफ हो सकता है। इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है। थैंक यू बच्चों।